नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में नई सरकार, नया निजाम, नया मुख्यमंत्री, नया कानून। मुख्यमंत्री योगी ने सरकार संभालने के तीसरे दिन अपना कानून अपने अंदाज में चला दिया। जी हाँ, अब बूचड़खाने बंद होंगे, दफ्तरों में पान गुटखा के धब्बे बर्दाश्त नहीं, पॉली बैग भी विदाई। सीएम ने आज किए ये तमाम फैसले, लेकिन पहले दिन से तय था कि कानून तो योगी का ही चलेगा। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध बूचड़खाने बंद, रोमियो गिरी, जो रोड रोमियो की चलती थी सड़कों पर, उस पर पाबंदी। पान गुटखा बैन, पॉलिथीन बैग बैन, जो कि बेहद जरूरी था। अगर आप तस्वीरें देख लेंगे इन दफ्तरों की जो पान की पीक के साथ बनती हैं, तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये कदम इन अफसरों के लिए, इन अधिकारियों के लिए, इस ऑफिस के लिए कितना जरूरी है। तो बंद से चलेगा अब यूपी में ये नया बदलाव, लेकिन इन सब के बीच हम आपको दिखाएंगे कैसे रोड रोमियो जो सड़कों पर निकलते थे, उन पर पुलिस ने लगाम लगाने की कोशिश की है एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए। लेकिन उससे पहले अवैध बूचड़खानों पर पहला निशाना। जो आपने कैंपेन में वादा किया था कि बूचड़खाने सारे बंद होंगे, जो भी स्लॉटर हाउसेज हैं यूपी के, मैंने निश्चित कहा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको प्रायोरिटी में करेगी शपथ होने के तुरंत बाद। हमारी पार्टी का ये कहना है कि जिनके पास लाइसेंस है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको 15 दिन का, 1 महीने का समय जरूर देना चाहिए कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप इलीगल चला रहे हैं, आप लाइसेंस लीजिए, उसके बाद आप चलाएं। दिक्कत ये, हम लोग सब इसी जुड़े हैं, मतलब हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे, हम लोग सब हैं इसी में, ऐसी खाते कमाते हैं, हमें परेशान परिवार हम लोग चलाते हैं, इसी से जीते खाते हैं। हाँ, तालाबंदी हुई है, हम लोग को ज्यादा परेशानी आएगी, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। कितने लोग परिवार में है, कैसे गुजर करते हैं? हाँ, हम लोग तो 12-13 लोग हैं परिवार में, रोज खरीदते हैं बेचते हैं, 100-200, 400-300-500 काम आते हैं रोज डेली। दिन दो और दर्जन भर ऐसे अवैध बूचड़खाने बंद किए गए हैं। इस बीच जो दूसरा वादा बीजेपी का था, एंटी रोमियो स्क्वाड, यानी सड़क पे जो रोमियो गिरी होती है, जो रोड रोमियो घूमते हैं, लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल करते हैं, उन पर गिरी है काज। तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखाते हैं कैसे ये एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर काम कर रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड जो सड़कों पर निकला है, वहां पर मौजूद लड़कों को, जो रोड रोमियो बनकर सड़क पर घूमने के आदि रहे हैं, उन पर लगाम कसने की तैयारी। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। हमारे साथ अशोक देव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के, और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल वो तस्वीरें आई नहीं जो मैं दिखाना चाह रही थी, गुजारिश होगी वो तस्वीरें जरा दिखा दें, जो पीली शर्ट में एक लड़का घूम रहा है, बटन खुली है, उसके बटन बंद करवा रही है पुलिस वहां पर। इन सब के बीच संबित पात्रा जी, क्या माने इस योगी युग में, योगी राज में, अब इस तरह से बदलाव की एक बड़ी कोशिश तो दिखाई दे रही है, लेकिन कितना इससे फर्क पड़ेगा और क्या है लंबी रणनीति जो इस सरकार की रहेगी? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कि द मॉर्निंग शोज द डे, अर्थात एक चावल को आप दबा के जान जाएंगे कि पूरे हांडी के चावल बने हैं या नहीं पके हैं। और आज योगी आदित्यनाथ जी के पहले दिन से ही ये मालूम पड़ गया है कि किस प्रकार का सुशासन अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के राह पे चल पड़ा है। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो सरकार 5 वर्ष तक चली, उनका मुख्य मियाद क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। रेप जैसे जघन्य कांड करने के पश्चात सूबे के मुखिया कह रहे थे लड़के तो लड़के हैं, ये गलती हो गई है। मगर योगी जी ने आते ही चंद घंटों के अंदर ये संदेश दिया, लड़कों से गलती नहीं हो सकती है, लड़कियां छेड़ना कोई गलती नहीं है, उस पे आपको दंडित किया जाएगा। आप बताइए, 100 से भी अधिक इलीगल स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और अभी मैं मायावती जी को सुन रहा था, वो कह रही थी मियाद बढ़ा दीजिए। अरे 5 वर्षों तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला? लाइसेंस तो मिलना चाहिए था, लाइसेंस भी नहीं दिया था, और इस प्रकार कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, कोर्ट का ऑर्डर था
कि इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं, जो बूचर खाने हैं, वो बंद होने चाहिए। तो किसके प्रश्रय पर ये गोरख धंधा, गैर कानूनी धंधा चल रहा था? तो आज बड़े संदेश गए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता और किसी प्रकार का गोरख धंधा या इलीगल काम नहीं होगा। तीसरा, पान, गुटके और प्लास्टिक बैग के माध्यम से स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा राज्य है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं देश के, तो उस राज्य का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। अशोक देव जी, सो रहे थे आप लोग 5 साल तक, ये सब कुछ होने दे रहे थे, तभी तो आज बंद, क्योंकि ये तो कानून के मुताबिक है। अगर एंटी रोमियो स्क्वाड बन रहा है तो सड़क पे इस तरह से ईव टीजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं तो वो अवैध हैं। आपने बंद रखी आंखें इतने दिन। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को इस प्रचंड बहुमत की बधाई देता हूं, और समाजवादी पार्टी जो भी जनता का जनादेश है उसका स्वागत करती है। इसके साथ में मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद, खासतौर से संबित पात्रा जी को, कि किस तरह से अबोध जनता को आपने झूठे वादे दिया, झूठे सपने बेचा। इसके साथ ही इस बात की भी बधाई देता हूं कि धर्म के नकारात्मक प्रभाव को राजनीति में कैसे सम्मिलित किए। संबित पात्रा जी, आप बात कह रहे थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस बहुत जल्द बोलेंगे कि नेताजी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा था वही महात्मा गांधी आचार विनोबा भावे ने कहा था, मृत्युदंड का विरोध किया था। लेकिन आपके नेता कर्नाटक विधानसभा में क्या कर रहे थे, मोहन भागवत जी महिलाओं में क्या देखते हैं, ये सब चीजें भूलना नहीं चाहिए आपको। आप बार बार ये क्यों करवाना चाहते हैं, आप शीशे के घर में रहते हैं, ये भूल जाइए। दूसरी बात है, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए विश्व की सबसे अच्छी स्कीम 1090 लेकर के आए, और उससे हमने पूरे 5 साल में 6 लाख से ज्यादा केस को जो है समाधान किया है। लेकिन आप क्या किए, आपके विधायक क्या कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं और थाने में महिला इंस्पेक्टर की बीजेपी के विधायक और उनके परिवार वाले पिटाई करते हैं, क्या यही महिला सुरक्षा है? कानून व्यवस्था की बात करते हैं आप, आपके विधायक लोग सीईओ को धमकाते हैं, अशोक जी जरा एक बार फिर से मैं वापस जाना चाहती हूँ, रिवाइंड करके जो पहली बात आपने कही, जो महान आपने विनोबा भावे से लेकर सबका नाम लिया और कहा कि उनसे प्रेरित होकर मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था, जो शर्मनाक बयान उन्होंने दिया था कि गलतियां हो जाती हैं बलात्कार जैसे संगीन अपराध पर, उसको आज आप डिफेंड करना चाह रहे हैं इस मंच पर? अंजना जी, पूरी बात इसीलिए कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी से बोल पूरी बात, छोटी बात, अधूरी बात कुछ नहीं होती है, बात बात होती है, पूरी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूरी बात, ऐसी बात कैसे कर सकता है? अंजना जी, पूरी बात सुनिए, नेताजी ने यही कहा था कि जो कोई भी गलत करता है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, लेकिन मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। यही बात आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा था, यही महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, वही बात नेताजी ने कहा था। तो ये बात तो इनको समझ में नहीं आती है, दूसरी बात इनको समझ नहीं आती, वही बात जो मैं बता रहा हूं, हमें भी नहीं समझ में आती है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बलात्कार को एक छोटी गलती बता देना कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सही कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं स्पष्ट, अरे सुनिए अशोक जी, आप कह सकते हैं स्पष्ट कि मृत्यु दंड के हम खिलाफ हैं, लेकिन यह कहना कि बलात्कार जैसी गलतियां लड़कों से हो जाती है, इसका कोई भी दलील दुनिया में नहीं हो सकता है, मत कोशिश कीजिए। अखिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्या कहेंगे इन कोशिशों पर? हालांकि वो तस्वीरें अभी तक नहीं आई हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, हम दिखाएंगे, क्योंकि एक पुलिस वाले साहब आते हैं, एक लड़का शर्ट उसके बटन खुले हुए हैं तो वो कहता है बटन बंद करो, तो ये भी हो रहा है इस नाम पर। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश जी, मैं उस पे आने के पहले जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे वो तस्वीर आ गई है सर, आपको रोक रही हूँ। अखिलेश जी आप भी देखिए जरा, अखिलेश जी एक बार आप भी देखिए, ये देखिए इस लड़के को बाकायदा, इसने बटन खोली हुई थी अपने शर्ट के, मेरे सामने टीवी नहीं है, मेरे सामने टीवी नहीं है, बटन बंद करवाया पुलिस ने। हाँ बोलिए। देखिए, जिक्रा हुआ यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह जी यादव के बयान का, निश्चित रूप से उस बयान की प्रशंसा नहीं की जा सकती, वो बहुत गंदा बयान था। लेकिन साथ में जो और लोग भी महानुभाव बोले हैं, मोहन भागवत जी हो, चाहे हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे विजय वर्गीस जी हो, चाहे बिहार वाले वो एक सज्जन और थे, तमाम बड़ी लंबी फहरिस्त थे। और अब जैसे एंटी रोमियो चल रहा है, हम अभी 2 दिन या 3 दिन की सरकार का अच्छा बुरा नहीं सर्टिफिकेट दे सकते। ये सरकार आई है, हम अपेक्षा करते हैं कि खूब अच्छा करें।
अच्छे कामों में हम भरपूर सहयोग देंगे। दो चार छह महीने के बाद इस सरकार का समीक्षा हम शुरू करेंगे। ये नहीं कि दो कदम उठा लिया, एक कदम उठा लिया तो हम अच्छा करें, कहीं कुछ घटना छोटी सी हो गई तो हम कहें सरकार फेल हो गई, कायम व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गया, हम ये भी नहीं कहेंगे। हम चाहते हैं कि जो सरकार ने कहा था, जो सरकार का एजेंडा है, वो अपने एजेंडे को लागू करे। लोगों में ये अगर कहीं कोई छोटी घटना, जैसे एक जगह कोई मीट शॉप जलाया, तो मैं सुबह से ये कह रहा हूँ ठीक है अगर किसी ने गलती की तो सरकार को अब ट्रांसपेरेंट होकर उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए कि आगे के लोगों का हौसला ऐसे लोगों का न बढ़े। तो हम तो अभी वॉच करेंगे इस सरकार को, इस सरकार को हम अभी नहीं कह देंगे कि बड़ी बुरी सरकार है और इसको एक मिनट में इसका कानून व्यवस्था समाप्त हो। सफाई पर सचिवालय में ध्यान दे रहे हैं, उसको टिक मार्क तो लगाएंगे। चाहिए और जब मैंडेट मिला है, जब इतना मैंडेट मिला है, घूम घूम के अखिलेश जी घूम घूम के दो तीन दिन में क्या टिक मार्क होता है? अभी पोर्टफोलियो बता है सचिवालय। अच्छा आपको फिर टीवी नहीं है तो मैं आपको बखान मैंने कर देती हूं। टीवी एक बार बता दे रही हूँ मैं अंजना, सचिवालय में आज तमाम जगहों पर गए सर। वो मैं देखता हूँ, देखिए बेसिक चीजें उसका उन्होंने जिक्र अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है ना, वो देखिए ये सही है। मैं भी सचिवालय में ही कई बार जाने का अवसर मिलता है, मैंने देखा है, लेकिन ये कितना कब तक इम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल ये बुरी चीज है, लेकिन चीजें बनी रहे अच्छी चीजें, वो कंटिन्यूटी उनकी अच्छी चीजों की बनी रहे, ये महत्वपूर्ण होता है। वही सब चीजें देखें, ये गवर्नमेंट यही तो होती है कि जो अच्छी चीजें हैं वो इस बनी रहे, उसका बना रहना, उसका समय अनुकूल बना रहना वो माने रखता है। और आज जो कुछ कह दिया जा रहा है अभी कि ये सरकार रोमियो है, तो भाई वुमेन्स पावर लाइन जो थी वो लाइन 7 लाख से ऊपर लोगों को की, अगर ये रोमियो हैं जो रोमियो एंटी स्क्वाड, तो ये चप्पे चप्पे पे तो रहेगी नहीं। क्या वीमेन पावर लाइन है कि खत्म हो गई? क्योंकि उस वीमेन पावर लाइन ने बहुत अच्छा काम किया, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लड़कियों का नाम या महिलाओं का नाम छुपा रहता है, वो फोन करती थी, कार्रवाई होती थी, उनको वार्निंग मिलती थी, यदि उसके बाद ये पुलिस वाले उनको 3-4 महीने उस कंप्लेन उसके बाद भी नहीं सुधर पाते, वो बकायदे फिर FIR लॉज करके उन पर कार्रवाई करते थे। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उससे पहले मौलाना अंसार रजा साहब प्रशंसा करेंगे ये जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके? ये अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए अंजना जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई अच्छा काम होता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, अगर काम अच्छा होता है तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, काम कोई भी करे। अगर हम हर चीज़ को नफरत की नज़र से देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें कहीं ना कहीं मोहब्बत भी दिखानी होगी, कहीं ना कहीं आपको जज्बा दिखाना होगा और हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। तो कल और आज में आपकी राय बदल गई क्या योगी आदित्यनाथ के बारे में? नहीं नहीं नहीं, अभी पहले सुन तो लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी नई बहू है ना, तो नई बहू 2-4 दिन तो बहुत प्यारी लगती है, तो नए कानून अभी आएंगे एकदम जल्दी से, अब फैसला कर देंगे क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। थोड़ा चलने दीजिए ना, अभी 2-4 महीने गुजरने दीजिए तो समझ में आएगा। अब एकदम से आप अभी निकाह की तरह कबूल करवा लेंगे कि योगी जी अच्छे, तो हम नहीं कर पाएंगे ना। ये गलत बात है, ये एक सेक्सिस्ट कमेंट है। नई बहू 2-4 दिन प्यारी लगती है और उसके बाद खराब लगती है, ये एक सेक्सिस्ट कमेंट है। सोच के देखिए कि हमने बहू को किस प्रकार से आंक रखा है कि बस वो सुंदर दिखनी चाहिए 2-4 दिन के लिए, उसके बाद हम उसको डांटेंगे। संबित जी आप मौलाना अंसार रजा से कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं मौलाना अंसार रजा के उस विषय पे आपत्ति कर रहा था कि हम लोगों को बोलने से पहले बहुत सोच के बोलना चाहिए। देखिए उन्होंने सरकार को कहा ये तो अभी नई बहू है, मैं इस पे आपत्ति अभी नहीं जताऊंगा, जब पुराना हो जाएगा तब कहूंगा। देखिए ये कभी कभी हम लोग अनजाने में ऐसा कह जाते हैं, मगर ये सेक्सिस्ट कॉमेंट होता है। देखिए नई बहू को आप लोग हाँ अभी स्वीट है, अभी सही है, थोड़े दिन बाद खराब हो जाएगी, ऐसा कहने से बहुत बुरा असर पड़ता है। यह भी वैसा ही कॉमेंट है जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा था कि लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे गलती हो जाए है। तो कृपया करके अंसार रजा जी को ऐसी बातों से रिफ्रेम करना चाहिए। पता नहीं आपके दिमाग को क्या हो गया है, कहां की बातें कहां ले जाते हैं आप वाकई जो है। नहीं, मेरा दिमाग को कुछ नहीं हुआ है, मैंने बिल्कुल सही बात बोला है। पार्टी को देकर के आपको घर पे बैठा देना चाहिए। आप हर चीज में आपको नुक्स दिखाई देता है, अगर तारीफ करें तो नुकसान। देखिए मौलाना साहब मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है कि आप ऐसा कुछ कह के। हमने क्या कहा है कि नई बहू सबको प्यारी होती है, आते ही साथ नए कानून बना दिए। अरे अभी चलने तो दीजिए, एक ही दिन में आपने सारा सर पे बांध दिया, अभी चलने तो दीजिए, अभी 2 ही दिन हुए हैं आपको, आज तो आप बटे हैं, अभी काम तो होने दीजिए, भ्रष्टाचार तो आने दीजिए सामने। तो रोमियो गिरी बंद संबित पात्रा जी या फिर पुलिस गिरी शुरू, क्योंकि
मॉरल पुलिसिंग पर नजर आ रही है तस्वीरें, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ तो ठीक है ये महिलाएं, चूंकि इनके साथ बदतमीजी की गई थी इन्होंने वहां पर जो किया, लेकिन कई अलग जगहों पर भी अब तुम एक लड़का टी शर्ट और ऊपर से शर्ट पहना हुआ है, पीली वाली दिखा दीजिए तस्वीर, उसको कह रहे तुम बटन लगाओ खड़े होके। एक कॉलेज है उसके बाहर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं लड़के, उनसे कह रहे हैं यहाँ पे ये कॉलेज के बाहर लड़कियों के तुम नहीं क्रिकेट मैच खेल सकते हो, चलो यहाँ से चलो। एक को यहाँ पे क्यों टहलने निकले हो, तो वो कह रहा है, उसके बाद पुलिस वाला हम दिखाएंगे भी आपको, वो कहता है कि ज़्यादा टहलोगे ना नप जाओगे। अब ये सब कैसे रुकेगा, ये ठीक है? नहीं ठीक बोल रही हैं अंजना जी आप, देखिए उद्देश्य समझिए, अब खुद डीजी का मैंने ट्वीट देखा है, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है कि मोरल पुलिसिंग नहीं होना चाहिए। अब पुलिस मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे इस पूरे विषय को समझ भी पाएगी। एक बहुत लंबे समय से जनता को परसेप्शन की भी आवश्यकता थी कि लड़कियों को छेड़ा नहीं जाता है, छेड़ नहीं सकते हैं, अगर छेड़ेंगे तो बहुत सख्त कदम होगा। इस पूरे माहौल में जिसको हम लोगों ने रोमियो स्क्वाड कहा है, स्वाभाविक रूप से उससे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा जो लोग लड़कियों को छेड़ते हैं। हाँ आपने जो कहा, अगर कुछ लड़कों को कोई बटन नहीं लॉन लगाया है या कोई क्रिकेट खेल रहा है, अगर ओवररीच कहीं हुआ है तो जरूर समय के साथ वो ठीक हो जाएगा, और जो हमारे मंत्रीगण हैं वो इस पर ध्यान भी रखेंगे, पुलिस भी खुद इस पर ध्यान रखेगी। मगर हमें इतना जरूर सोचने की आवश्यकता है कि जो लड़कियां घर से निकल नहीं सकती थी, स्कूल से 200-200 बच्चियां स्कूल से ड्रॉप हो गई थी बरेली के जिले से क्योंकि वहां उनको छेड़खानी होती थी, अब वो बच्चियां अपने स्कूल में जाएंगी और निर्भीक होकर जाएगी, डरेंगी नहीं। मुझे लगता है एक बहुत बड़े अच्छे माहौल का निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी कहा है कि वो हमारी समीक्षा थोड़े दिनों बाद करेंगे, मैं उनका छोटा भाई हूं, एक उनसे एडवाइस भी देना चाहता हूं कि देखिए 6 महीने बाद आप हमारी समीक्षा करेंगे, 6 महीने तक जरा अपनी समीक्षा कर लीजिए कि आप लोगों में क्या गलती हुई है। और अभी बीबीसी ने कांग्रेस को पूरे विश्व का चौथे पायदान पे सबसे करप्ट पार्टी बताई है, तो थोड़ा उसकी भी समीक्षा कर लीजिए, फिर 6 महीने बाद हमारी समीक्षा करिएगा। अखिलेश जी, देखिए अमेरिका में छाता बारिश होती है, यहाँ छाता लगा के घूमने वाले मैं अभी गिनाना शुरू हूँ, सैकड़ों गिना सकता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि डीजीपी का ट्वीट आ गया कि मॉरल पुलिसिंग नहीं होगी, अभी छाती पीट के बताया जा रहा था कुछ देर पहले कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, अभी उसको विड्रॉ कर लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ होने तो दें पहले, अभी शुरुआत तो होने दें। आपने दूसरा मुद्दा उठाया था कि स्लॉटर हाउस का, अरे भाई बाहें फैला के झूम करके बोला था ये पिंक रेवोल्यूशन आते ही मैं पूरे देश में खत्म कर दूंगा, बाहें फैला के और नहीं तो एक ही जगह बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में कारोबार में, वो पिंक रेवोल्यूशन में बस माननीय मोदी जी वो उन्होंने कहा था कि पिंक रेवोल्यूशन अच्छा। बंद कर दूंगा, पूरे देश में खत्म कर दूंगा, और नहीं तो सबसे ज्यादा तो बढ़ा है यही क्षेत्र में, और तो बढ़ने के अलावा इससे इन्हीं से सबसे ज्यादा पैसा डोनेशन लिया है। तो भैया ये है बीजेपी, जब दिल्ली में 3 साल से पिंक रिवोल्यूशन या बूचड़ खानों का नहीं कुछ कर पाए तो यहाँ क्या करते हैं, कब करते हैं, क्योंकि पैसा उन्हीं से ये ले रहे हैं तो बंद कैसे करेंगे। छोटे मोटे बेचारे होंगे जिनसे नहीं ले रहे होंगे, हो सकता है उनको बंद करने का प्रयास करते हों, तो अभी इनको चलने दीजिए, कई निर्णय लेंगे, कौन सा निर्णय क्या होता है खुद भी ये उसका गुणदोष पे आधार पे समीक्षा करेंगे। अभी आप ही ने कहा कि गुणदोष के आधार पे समीक्षा करके मॉरल पुलिसिंग को रोका, अभी लड़कों को कह रहे हैं कि तुम इस तरह क्यों घूम रहे हो, लेकिन ये तो इनका तो अल्टीमेट फिर महिलाओं पर आता है कि महिलाएं तुम क्यों घूम रही हो, ये हिंदुस्तान है, इंडिया नहीं है, ये भारत है, भारत में इस तरह से तुमको रहना होगा। इनके यहाँ तो महिलाओं को कोई अधिकार है नहीं आरएसएस में, आरएसएस महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा रखती है सबको पता है, हम उस बहस में नहीं जाना चाहते। तो ये जो अभी एंटी रोमियो है ये कहीं जो इन लोगों का अभी तक पुराना इतिहास रहा है वैलेंटाइन डे से लगाए और तमाम जगहों पर इन लोगों का उद्यमचा रही है महिलाओं के लड़कियों के प्रति, वो ये परिवर्तित ना हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा थोड़ा समय इनको दिया जाना चाहिए, स्थिर से काम हो, कामों के फिर जब कोई निर्णय लेंगे फिर वो प्रक्रिया में उतरेगी जमीन पे, फिर उसमें कमी दोष खुद भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, फिर उसके बाद कहा जाएगा कि क्या सही है क्या ठीक है। आज 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 तो सकारात्मक अखिलेश जी, अखिलेश जी वैसे आपका स्टाइल तो अलग है ही, सबसे सब कुछ बोलकर अंत में आप कहते हैं चलिए इनको टाइम भी देते हैं। आज आप दोनों की जैकेट का रंग बड़ा दिलचस्प है। संबित जी बोलिए छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं अपने मेहमान के पास जाना चाहती हूँ। नहीं देखिए मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ कि धन्यवाद, देखिए मैं बोल रहा हूँ बार बार वही बोलेंगे तो फिर मुझे भी धन्यवाद करना चाहता सर, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो। हाँ
अखिलेश जी, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, वरना तो ये अधिकार तो राहुल गांधी जी का था कि कुर्सी पर उनको बैठना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और इतनी दया दृष्टि हम पे दिखाई है। और आप पिंक रिवोल्यूशन की चिंता मत करिए, आप अभी कांग्रेस में थिंक रिवोल्यूशन करिए। अगर थिंक रिवोल्यूशन नहीं करिएगा, अगर थिंक रिवोल्यूशन नहीं करिएगा तो क्या होगा आपको पता है। सुन लीजिए, थिंक रिवोल्यूशन नहीं करिएगा तो क्या होगा आपको पता है। दूसरी बात, अमेरिका अमेरिका में बारिश होता है तो आजकल संबित कांग्रेस से भी ज्यादा कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं। आजकल संबित आप कांग्रेस की चिंता कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे राहुल जी बहुत बड़े एसेट हैं भैया, राहुल जी देश के बहुत बड़े एसेट हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। मैं बोलूंगा अंजना, समय हम उनकी चिंता करते हैं। और मैं इतना बता दूं कि अमेरिका और यूरोप में बारिश होता है तो छाता लेके कौन बैठता है? कौन है अभी यूरोप में कौन है? अरे उसको बात तो पूरी करने दीजिए अखिलेश जी, अखिलेश जी बात पूरी करने दीजिए, आपसे जवाब लूंगी। अखिलेश हाँ है अखिलेश जी, आपको समय मिलेगा अखिलेश जी, काहे परेशान? संबित संबित प्लीज संबित जल्दी अपनी बात पूरी करें। संबित जी हाँ, आप अखिलेश जी ने कहा अमेरिका में और यूरोप में बारिश होने से छाता लेके कौन निकालता है? मैं बोल रहा है कौन है यूरोप में? तो उनके जो भक्तगण है वो छाता लेके बैठते हैं इंडिया में। हम तो भारतीय लोग हैं भैया, ठेठ देसी लोग हैं, हम तो यहाँ बारिश होने पे छाता निकालते हैं। हमारे कोई लीडर यूरोप में नहीं रहते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी छोटा सा जवाब सर, अन्य मेहमानों के पास भी जाना है जी। मैं बोल रहा हूँ, चार मिनट बोला इन्होंने, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं चार, अच्छा ये घड़ी भी देख, देखिए अंजना आप बोल लीजिए और क्या। 65 साल बाद इनको अवसर आ रही हूँ, रजा साहब आ रही हूँ, मौलाना साहब आ रहे हैं, आज ये इतरा रहे हैं 65 साल बाद इन्हें अवसर मिला है, वो भी झूठ फरेब छल से सत्ता पाया है भोली भाली भारत की जनता को भरमा करके। लेकिन कभी ये बात नहीं करते हैं कि देखो मैं काला धन ले आया, देखो अच्छे दिन आ गए, देखो डॉलर कहाँ पहुंचा दिया, देखो मैंने अपना अकाउंट चेक करो 15 लाख मैंने पहुंचा दिया, देखो मैंने 2.5 करोड़ नौकरियां दे दी, देखो मैंने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, इसका जिक्र नहीं करते हैं। बोल बोल के साथ सीट मिली है, झूठे हैं, मैं झूठा थोड़ा बोलिएगा तो -7 हो जाएगा। नहीं बोला, भोली भाली जनता को ये बहकाते हैं। और सुनिए ये तो वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ थे, ये कभी देश के भी नहीं रहे हैं। आरएसएस पे ये आ गए अंग्रेजों पे आ गए, यही बाकी था इनका कहना। मोहन भागवत जी ने क्या बोला महिलाओं के लिए? ये सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, अंसार रजा साहब योगी आदित्यनाथ ने, आ रही उसके बाद आ रही सर, योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन ही संसद में संकेत साफ दे दिया था जब उन्होंने कहा था अब यूपी में बहुत कुछ बंद होगा। देखिए ऐसा है अंजना जी, हाँ संबित जी बड़ी सफाई से सारी बातें कह करके चले गए और कांग्रेस पे सारा ठीकरा फोड़ करके कांग्रेस के प्रवक्ता बनके सारी बातें उन्होंने कर ली। उन्हें इस वक्त बीजेपी की फिक्र करनी चाहिए कि अब जब इतनी जगह सरकार है तो अब कैसे आप लोगों के दिल तक पहुंचे, उसकी फिक्र नहीं। उनको ये फिक्र है कि कांग्रेस को कब्र में कब पहुंचाएं। फिक्र देखिए, दूसरे को कब्र में पहुंचाने से पहले अपने आप को भी देखना चाहिए आदमी को। आपको सरकार माइंडेड मिला है पब्लिक की तरफ से, आपको वो काम करना चाहिए ताकि आप पब्लिक तक पहुंच सकें। आप बार बार ये तमाम चीज़ों का तस्करा कर रहे हैं, क्या चीज़ें बंद कर रहे हैं, क्या आप खोल रहे हैं, उन्होंने कहा भी बहुत सारी चीज़ें बंद होंगी। मैं समझता हूं कि अगर माइंडेड मिला है तो घमंड नहीं करना चाहिए। बेरोजगार अगर स्लॉटर हाउसों का मतलब 80% हमारे गैर मुस्लिम भाई स्लॉटर हाउस में काम कर रहे हैं, मुसलमान अकेले 20% भिखारी होगा, 80% तो गैर मुस्लिम होंगे जिनके दम पे आप जीत करके आए हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको सहूलियत फराम करना चाहिए। क्या यहाँ भी अगर गलती है उनकी तो उन्हें सजा कैसे देंगे? उनको आप टाइम दीजिए ना, क्या आप इतने दिन में आप मुकम्मल कर लीजिए, नहीं होता तो आप बंद कर दीजिए उनको। बंद करेंगे देश में, क्या बंद कर दिया? ये सीधा उठा के देश में क्या बंद कर दिया? स्लॉटर हाउस बहादुरी है क्या? ये चंदा ले रहे हैं उसी को एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। कबीर को आज तक आप बंद नहीं कर सके? बड़े बड़े नेता स्लॉटर हाउस का परमिशन ले रहे हैं। इसका योगी का कानून और इस नई यूपी सरकार में दरअसल अशोक जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। जो परिस्थितियां बन गई थी आपके नेताओं के मंत्रियों की बेतुकी बयानबाजी जो होती थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उन सब के जरिए तो ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, ये कहना है सरकार का। अंजना जी हमें एक मिनट दीजिएगा क्योंकि बहुत अंतराल के बाद बोले सर, आप जल्दी बोले जी। पहली चीज हम बता दें कि देखिए जो एंटी रोमियो बनाया गया है, पहले उसका औचित्य क्या है?
भाई महिलाओं को लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है तो उसके लिए 1090 हम समझते हैं कि विश्व की सबसे अच्छी स्कीम है और बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए, 6 लाख से ज्यादा हमने 5 साल में समाधान दिया। अब रह गई बात एंटी रोमियो की, तो इनका आधार क्या है रोमियो चिन्हित करने के लिए, कभी इन्होंने इस बात बताई कि आधार क्या है? अभी इसे हम एक बात जोड़ के बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि 40 दिन में 40,000 अपराधी जेल में होंगे, ऐसा तो नहीं है कि चिन्हित करके इन निर्दोष लड़कों को जेल में डाल दिया जाए और उनकी गिनती कर दी जाए? अंजना जी एक मिनट सुन लीजिए। दो प्रश्न है, आधार चिन्हित करने का आधार क्या है, और दूसरा इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में पूरे 5 साल तक हर वर्ग के लोग आए, महिलाएं आई, दलित आए, गरीब आए, पिछड़े वर्ग आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं, बताएंगे कि किनके आने से अशुद्ध हो गए, जवाब दे, चिन्हित कैसे करेंगे, रोमियो कौन है? वैसे तो शेक्सपियर अपने कब्र में पलटियां खा रहे होंगे, क्या उन्होंने मोहब्बत की कहानी लिखी थी? आपने गुंडों की पहचान रोमियो कर दी, खैर छोड़िए उसमें नहीं फंसेंगे, जल्दी से ये रोमियो कैसे पहचानेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं अशोक जी, आप एक मिनट मांग रहे थे, आपको तो 5 साल मिला, आप चिन्हित नहीं कर पाए कि किन लोगों ने महिलाओं को छेड़खानी की। हम चिन्हित भी करेंगे और हम उनको दंडित भी करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में लड़कों को दंड दिया जाएगा अगर वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करेंगे। उनसे देखते रहिए आज तक।